झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा गया है, उन्हें राज्य के हालात से रूबरू कराया जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम से बातचीत की है दिल्ली संवाददाता अमर ने। आलम साहब हैं और दिल्ली प्रवास पे हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि एकाएक सभी लोग दिल्ली दरबार में पहुंचे हैं, क्या क्या बात है, कुछ है क्या सर? देखिए, एकाएक पहुंचे कि पहुंचे सारे लोग के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। लास्ट डे हम लास्ट नाइट से पहले उसी दिन रात 10 बजे हम घर से आए, कल मीटिंग भी किया वहाँ, और मुझे लगता है कि लगभग एक साल 9 महीने से एक साल होगा कि हम दिल्ली आकर किसी भी नेता से भेंट नहीं किए, जबकि फॉर्मली हम लोग 2-3 महीने में सभी नेताओं से भेंट करते हैं। आपकी सरकार में लोगों का, खास करके विधायकों का शिकायत था, लोगों की शिकायत है कि अधिकारी सुनते नहीं है। खबर ये भी आया है कि कल आपने उन लोगों को फटकार लगाई है, क्या इससे पहले इस स्टेप को उठाने चाहिए थे? नहीं, स्टेप उठाने के लिए देखिए, काम तो परंपरा जो है वो तो चलते रहता है। सेक्रेटरियट हो चाहे मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री हैं, वो तो डायरेक्शन देते हैं, पैसा भेजते हैं जिला स्तर पर, फिर जिला से ब्लॉक जाता है, ब्लॉक से पंचायत में जाता है, इस तरह का एक सिलसिलावार बना हुआ है। तो जहां जब भी कमी लगा, तो कल की मीटिंग के बारे में जहां कमी हमको दिखाई दिया, उस बात को हम उठाने की काम किए, ताकि प्रशासन के लोग जो कोई इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, जो सर जमीन पर उसको लाने के काम करेंगे, वो बढ़िया से काम करें। वैसे मेरा जो है, हमने उनको काफी जो अच्छे काम हुआ उनके सराहे भी बहुत, हम लोगों ने उनको अब कुछ प्राइज भी हम लोग दिए हैं अच्छा ब्लॉक के काम करने के लिए। जहां नहीं हुआ उसका एक समीक्षा करने के बाद 150 ऐसा ब्लॉक है जहां पर हमको लगता है कि ये ज्यादा काम हमको करना चाहिए, इसीलिए उन लोगों को, तमाम लोगों को एक निर्देश दिया गया है कि 22 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक जो है काम आप लोग ठीक से कीजिए, और जो पीछे आप चले गए उसको कवर कीजिए, इसीलिए एक मीटिंग बुलाए थे। और जहां जहां से हमको गड़बड़ी लगा इन सेंस, उसी आधार पर हमने कहा कि हमने जो योजना दिए हैं वो धरातल पर है या नहीं है उसको देखो, और देखने के बाद अगर लगता है विभाग के लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, रिपोर्ट करो, अगर जिला से रिपोर्ट करके कुछ नहीं मिलता है तो तुम मंत्रालय में भेजो, निश्चित तौर पर वैसे लोगों पर कार्रवाई हम करेंगे। शिकायत करते हैं कि केंद्र सरकार जो है आप लोगों के साथ पक्षपात करती है, आपके पैसे काट लेते हैं और आपको पैसे नहीं देते हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है। अब GST का हमारा करोड़ों रुपया यहाँ पड़ा हुआ है, और हमारी सरकार का जो किसी भी सरकार का जो मेरुदंड होता है तो ये सब क्या टैक्सेस पर हम लोग करते हैं काम, डेवलपमेंट करते हैं, तो GST हम डायरेक्ट चलाता है, तो उसका पैसा हमको जाना चाहिए। अब DBS क्या बकाया मेरे पिछले सरकार से पड़ा हुआ है, तो खैर उस सरकार से तो आप काटे नहीं है, बढ़िया मेहरबानी की आप। हमारी सरकार आने के बाद जो हमारे यहाँ जमा रहता है खाता में पैसा RBI में, किसके लिए? पोषाहार के लिए, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर के सेविकाओं के लिए, वो पैसा आप काटकर विदाउट इंफॉर्मेशन आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप DBS से बकाया आपको काटना पड़े, लेकिन हमारा तो DBSR कोल से में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उस पर भी तो इनिशिएटिव लीजिए। ये थे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब का साफ तौर से करना है कि सरकार जो, केंद्र सरकार जो हमारे साथ पक्षपात करती है और ये भी दिखाती है कि हम किस तरह से काम ना कर सके। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। मंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।